रोग कोई भी हो टकराएगी ये तुलसी और ध्वस्त कर देगी उस बीमारी को। पुराना पियक्कड़ जानता है कड़वा क्या चीज, क्योंकि इसमें जेन्युइन पावर मौजूद है ऋषि मुनियों के जमाने की। बस रेट का कुछ नहीं, मेरे पास औकात नहीं वरना फिर ही कर दूं। तो अंकल क्या बना रहे हो आप एक बार बताओगे? ये बता रहा हूँ, इसमें हमने जामुन के पत्ते, ये और ये नीम के पत्ते और ये करेला, ये तीन चीज इन्वेस्ट किए हैं। और ये है आपका एंटीडॉट। हम लोग घर से तो निकले थे ये सोचे कि छोले भटूरे खा के आएंगे, आज छोले कुलचे खा के आएंगे। हाँ, मगर भाई अंकल के गेटअप ने और इस दुकान की भीड़ ने ना आकर्षित कर लिया हमें अपनी तरफ और यहाँ रोक लिया। अंकल क्या क्या डाल रहे हो बताते रहो। कच्ची हल्दी है, ये देखें, ये कच्ची हल्दी है, ये अदरक है, ये गिलोई है, ये सब एंटीडॉट है, ये व्हीट ग्रास है, गेहूँ के ज्वारे, ये पुदीना है। सारी चीजें मतलब बिल्कुल हेल्थ के लिए एक नंबर वाली है, नंबर वन। जी हाँ, और ये है आपका एलोवेरा, ये है आंवला, ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी चीज। ये है घिया। अच्छा, घिया भी डालता है? हाँ, ये भी डालता हूँ। और यहाँ पे बिना छना निकल रहा है? हाँ जी हाँ, ये बिना छना है। तो नए बंदे आते हैं उनको छान के देते होगे आप? हाँ, छान के ही देता हूँ, लेकिन नए आदमी को, पुराने पियक्कड़ को मैं बिना छाने भी देता हूँ। गेहूं का घास जब कैंसर जैसी ही खास से खास बीमारियों को भी ध्वस्त कर सकती है, हीमोग्लोबिन बढ़ा सकती है, खून बढ़ा सकती है और अंदर पेट के सारे विभाग का सर्जरी कर सकती है। ये अश्वगंधा भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि ये हर आदमी की जरूरत है, क्योंकि इससे बोन में जो है, हड्डी में जो है, विशेष फायदा। और ये है चिराइत, ये तो जड़ी बूटियों में नंबर वन पोजीशन पर है, क्योंकि खून अगर खराब है तो घर में भी आप इसका सेवन अकेले अकेले कर सकते हैं। ब्लड के किसी भी इन्फेक्शन को दूर करने में नंबर वन पोजीशन पर, नीम और करेले से भी ऊपर। ये है अर्जुन की छाल, ये है हार्ट के लिए, ये दिल की जो भी बातें हैं उल्टी सीधी ये सुनने को तैयार है, यानी स्वास्थ्य संबंधित किसी भी बीमारी को कंट्रोल करती है। तो ये सारे चीज जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या रेट रहता है इसका? बस रेट का कुछ नहीं, मेरे पास औकात नहीं वरना फिर ही कर दूं। बस 10 और 20 रुपए में देता हूँ। भाई यहाँ पे दो गिलास रखे हुए, आपको दिख जाएगा, ये 10 रुपए का गिलास है, ये है 20 रुपए गिलास। अगर पीना भाई, भीड़ देख सकते हो लग चुकी है, यहाँ पे आ चुके हैं लोग, अब इसको अच्छे से छाना जाएगा। जी ये छान चुका हूँ मैं और फिर अब मैं बांटने की पूरी तैयारी में हूँ। मतलब जितनी भीड़ भंडारे में लगते हैं ना, वैसे ही जिस तरीके से लोग खड़े हो गए, ग्लास लेके अपना, और भाई अंकल डालते रहेंगे और हम भी अपना एक ग्लास लेते हैं और फिर आपको बताते कैसा है। आप बाद में लीजिएगा, पहले मेरे आस बंधुओं को लेने दें, आप तो वैसे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। और ये जो आपने यहाँ पे रखा हुआ है, ये चुकंदर और वो अमरक, ये बस करके, हाँ जी, जैसे कि लोग शराब पीने के बाद चखने का आयोजन करते हैं, वैसे ही मैं ये पिलाता हूँ और इसका आयोजन ये कर देता है चखने में। ये हाँ, इसके खाते ही मुंह पूरी तरह फ्रेश हो जाते हैं। तो नए आदमी को, पुराने को इसकी कोई जरूरत नहीं है, पुराना पियक्कड़ जानता है कड़वा क्या चीज। भाई इस दुकान में ना आपकी दोनों चीजों का ध्यान रखा जाएगा, एक सेहत का और एक एंटरटेनमेंट का। अगर कृष्णा नगर सेंट्रल पार्क में कभी भी चक्कर लग रहा है, तुम घूमने फिरने आ रहे हो, तो भाई ये जरूर ट्राई करना एक बार, क्योंकि यहाँ पे अंकल का जो गेटअप है ना, तुम्हें आकर्षित कर लेगा अपनी तरफ। और ये क्या डाला आपने? दो बूंद जिंदगी की डाली। तुलसी है। अच्छा, ये पंच तुलसी है और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अच्छा, रोग कोई भी हो टकराएगी ये तुलसी और ध्वस्त कर देगी उस बीमारी को, क्योंकि इसमें जेन्युइन पावर मौजूद है ऋषि मुनियों के जमाने की। अच्छा जी। अगर हम शुद्धिकरण में हों तो तुलसी का पौधा हर बीमारियों का खास इलाज है, उसके सेवन की विधि को अगर हम सही ढंग से प्रयोग। अगर कितने साल हो गए आपको, मतलब जिस तरीके से आप इस चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो, 5-6 साल से तो ऊपर हो चुका है। मैं यहाँ 8 साल से हूँ। 8 साल से? जी हाँ, इससे पहले मैं ज्योति कॉलोनी दुर्गापुरी में था 3 साल, तभी यही काम। जी हाँ, इससे पहले मैं बलदेव पार्क परवाना रोड 1.5 साल था, तब भी यही काम। या और जब यहाँ प्रेमी मुझे ज्यादा ही मिलने लगे तो मैं फिर कहीं गया ही नहीं। क्या बात। और अगर लोकेशन में डालना था, रूपा डेयरी है वहां से? हाँ, रूपा डेयरी पर जो भी पहुंच गया वो मुझे देख लेगा दूर से। मैं हाँ खड़ा हूँ टोपी लगा के। क्या बात है भाई। फाइनली
इतना इंतजार के बाद हमें मिला। अच्छा ये जिंदगी की दो बूंद डाल दी। अच्छा एक ही आजा भाई। फाइनली हमारी ये ड्रिंक जो है रेडी हो चुका है। भाई मैं आता अपनी साइकिल से, मजाक कर रहा हूँ, मेरी नहीं है, किसी और की है। भाई ये शॉट, भाई इसको देखो पहले तुम, इसका कलर देख रहे हो, मतलब पूरा डार्क ग्रीन। और मेरे को पक्का पता है इसका स्वाद होने वाला पूरा कड़वा, क्योंकि भाई जब आपको सेहत मिल रही है तो भाई स्वाद से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। भाई अत तक कड़वा है मगर सेहत भरपूर है भाई। इसमें क्या कहते हैं, पौष्टिकता, पौष्टिकता है भाई पूरा, क्योंकि इसके अंदर सब्जी डली है भाई, करेला, घिया और बहुत सारी जड़ी बूटियां। भाई अगर तुम अभी इसका स्वाद उठाना तो तुम लोग सुबह सुबह आ जाना, सुबह 6 बजे अंकल लगाते हैं, मात्र 10 बजे तक। और जैसे अगर सुबह आ जाओगे तो बढ़िया है, खाली खाली मिलेगा। जैसी देर होती रहेगी ना 8, 9, 10, भीड़ देख रहे हो, लगती रहेगी। लोकेशन अंकल बता चुके हैं। मैं चलता हूँ भाई अपनी साइकिल पे अपने घर, और तुमसे मिलता हूँ किसी दिल्ली की बड़ी सी वीडियो में। बाय। हट जा भाई कैमरामैन। तो भाई घर जाते जाते मेरे को याद आया, आपको एक बात बता दूँ, ये साइकिल छोड़ दो ना तो जिस बंदे की, वो मेरे को मारेगा कि यार थोड़ी सी अनहाइजीनिकता थी, वो सुधारी जा सकती थी। बट यार ठीक है, सुबह 6 बजे अंकल आते हैं और 10 बजे तक की दुकानदारी है, 3 से 4 घंटे की दुकानदारी में अगर ये सफाई भी देखने लग गए उधर की, पानी वानी डाल के, तो फिर भाई वो नहीं हो पाता। और आप देख सकते हो भीड़ इतनी ज़्यादा है, लोग कस्टमर खड़े हैं कि एक ग्लास में डाल दो, पैक करा दो। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एक, मतलब थोड़ा सा बनाने में अनहाइजीन है, मगर जितना अनहाइजीनिक बनाने में उससे कहीं ज़्यादा ये भाई हेल्दी है, तो वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्वाद तो एक नंबर का ही।